सैटरडे आ गया है, लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया है। लॉन्ग वीकेंड की बात ही अलग होती है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इस लॉन्ग वीकेंड कुछ खास प्लान तो नहीं है, थोड़ा मोड़ा जो भी है आप लोग के साथ करेंगे, घर पे ही रहना है, कहीं बाहर जाने का कोई भी प्लान नहीं है। हाँ, तो मतलब ये पूरा वीकेंड आप लोग के साथ बिताना है। ये अभी फिलहाल सुबह हो गई है, शनिवार की सुबह, तो मैं ऊपर टेरेस पे आ गया था। मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज करके दिन की शुरुआत करते हैं। सैटरडे टाइम पास, सही बात है यार। अबे पता है ये वीडियो में सीन क्या हो गया था, मैं वीडियो एडिट कर दिया 4 दिन पहले रात को 2 बजे और वीडियो एक्सपोर्ट करते हुए क्रैश हो गई। 16 घंटे की मेहनत बर्बाद हुई, मतलब इतना गुस्सा है ना उस टाइम पे। लैपटॉप खोल के कुछ कुछ काम हो रहा है। आज मैं सोच रहा हूँ कि गूगल एडवर्ड्स पे प्रमोशन का कुछ करते हैं, और इसके लिए मैं अपने फ्रेंड की हेल्प ले रहा हूँ, प्रत्युष। तो उसको भी मैंने कॉल किया था तो कॉल लगा नहीं था, एंड ही जस्ट कॉल्ड मी बैक। तो पहले बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? आई जस्ट डिसकनेक्टेड द कॉल, और वो ये कह रहा है कि स्काइप कॉल पे आओ तो एक तुम्हारा गूगल एड्स का एक कैंपेन सेटअप करते हैं। दिस इज़ रियली एक्साइटिंग, लेट्स सी कुछ अगर अच्छा होता है तो। पहले तो सुबह आज आशीष से भी बात हुई थी, उसने भी बताया गूगल एड्स के थ्रू तुम काफ़ी ज़्यादा रीच पा सकते हो, विच इज़ वॉट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर। तो आई होप कि दिस विल हेल्प, और प्रत्युष से अच्छा आई डोंट थिंक कि कोई मेरे को मिलेगा ये चीज़ समझाने को, बताने को, क्योंकि ही इज़ इन टू दिस एडवर्टाइजिंग बिजनेस फ्रॉम लाइक 5 साल, आई बिलीव 4 साल 5 साल। प्रत्युष की अभी बहुत देर तक बात चली, उसने मुझे गूगल एड सेटअप करना बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। ही इज अ रियली गुड टीचर, थैंक यू सो मच भाई, तुमने मुझे आज बहुत काम की चीज बताई है, आई होप इट विल हेल्प मी। अभी 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है ऑलमोस्ट, तो मैं देखता हूँ कि कुछ खाना वाना का भी सीन करता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर इसको ऐड सेटअप करता हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है खाली पेट जंग नहीं जीती जाती। तो खाना भी जरूरी है भाई, खाना भी जरूरी है। AC बंद कर दो। गूगल एडवर्ट अकाउंट सेटअप करने। आई नो आई लुक लाइक अ थ्रैश टुडे, बट कांट हेल्प इट। यू आर जस्ट इल्यूजन, नथिंग एल्स। Our existence is illusion. हाँ, हम तुमको वीडियो कॉल से देख पा रहे हैं, उधर तुम दिख रहे हो, ये भी illusion ही है, खाली हो, कुछ नहीं है। दिन भर भाई रूम में बैठे बैठे पागल हो गया, सोचा शाम का वक्त है, अंधेरा तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, रात ही हो गई है, शाम क्या है, तो ये सोचा कि चलो टेरेस पे आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेते हैं। दिन भर रूम में बैठे बैठे अजीब सा हो गया था, फ्रेश एयर लेते हैं। Okay, little girl. Oh my God. Look at the view, guys. I'm at the top of the world. मैंने सोचा इतनी हवा चल रही है, अगर गलती से सीढ़ी गिर गई तो पंगा ही हो जाएगा यार। ओ भाई साहब, बहुत तगड़ा मौसम, देखो एक बार आप लोग।
आज मेरा ब्रेकफास्ट में इडली बनाने का मन था। इडली बनने के प्रोसेस में इडली को दही में सोक करके रखना पड़ता है उसके बैटर को फर्मेंट होने के लिए या जो भी प्रोसेस है उसका। तो अभी वो प्रोसेस चल ही रहा है और लगभग उसमें 1 घंटे का वक्त लगेगा। भूख तो लगी रही थी, 9:15 बज रहा है, वैसे तो सुबह आज जल्दी उठ गया था, वैसे भी तो भूख लग रही है। छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए अपना पुराना पार्ले जी काम आ रहा है, रखा हुआ था 1 बिस्किट का पैकेट। देखो ऐसा है, ये कोई कुकरी शो तो चल नहीं रहा है, तो एकदम परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो भी गई तो चलता है। सुबह इतना बेहतरीन मौसम था लेकिन अब to get these candies. I already had one. Sugar rush, sugar cravings. धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ भैया मैं भी मास्क लगाता हूँ। And by the way, I got these masks from my friend. She has a designing company, but now they're also making these masks. They are safe, they are washable, which makes them reusable. तो मैं description में इनका link दूंगा। They are 100% cotton masks. आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हो और डेफिनेटली आप लोग को पसंद आएगा, 100 में से 100% पसंद आएगा। They are f***ing comfortable, man. They are f***ing comfortable. Evening snack time, guys. Bread malai और उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर। भाई मुझे तो ब्रेड मलाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये सब सुख घर पे होते हैं तो ज़्यादा मिलते हैं, बाहर तो ये सब सुख लेने के लिए थोड़ा सा ना खुद से हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तभी ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसका जो टेस्ट है ना, क्या बात। Tomorrow. Good morning everyone. आज मंडे है और आज ऑफिस जाना है। ऑफिस का दिन है, 2 दिन की वीकेंड की छुट्टी में बहुत मजा आया इधर उधर करके, बहुत सारी करी आप लोगों के साथ। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग लेजी वीकेंड, बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं हुआ। किसी किसी वीकेंड पर कुछ ना ही करो, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव तो भी चलता है। तो वहाँ भी बस ऑफिस निकल रहे हैं। आज हलवा बनाया ब्रेकफास्ट में, सूजी का हलवा। delivered to me from Amazon today. पहला मैंने खुद order किया था और दूसरा मैंने order नहीं किया था। This has come from my sister और देखते हैं अभी इसमें क्या है। पहले ये first वाला खोलते हैं। Right. This is the pastry which I ordered. Let me show it to you. So this is a kind of a bed sheet with psychedelic print pattern on it. You can use this like a proper bed sheet. और ये दूसरा सामान ये मेरी सिस्टर ने मेरे को भिजवाया है। And I believe I know इसमें क्या है, लेकिन alright. Oh, राखी। तो ये प्री राखी गिफ्ट भी मुझे मिल गया। सी व्हाट इट रीड्स, हैप्पीनेस इज फाइटिंग विथ योर ब्रदर। अब तो लड़ाइयाँ होती नहीं है, अब तो मुलाकात ही कहाँ होती है। बहुत कम मुलाकात होती है मेरी और मेरे सिस्टर की, वो रहती दिल्ली में ही है, बट स्टिल मैं जल्दी उससे मिलता नहीं हूँ। आई नो ये बुरी बात है। बनाता हूँ मैं प्लान, हो सकता है मैं राखी पे इसको लेकर के ये राखी उसकी मैं दिल्ली ही चला जाऊँ, बिकॉज आई हैव माई नेफ्यू देयर। मुझे दीदी और जिया जी से मिलने से ज़्यादा अपने नेफ्यू से मिलने का मन है। थैंक यू सो मच दीदी फॉर द गिफ्ट और होपफुली मैं लेके आऊँगा इसको तुम्हारे पास। अब ये तो पता नहीं ला पाऊँगा नहीं ला पाऊँगा, लेकिन राखी ज़रूर लेके आऊँगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू
The secret spot. Let's go to the secret spot, which is not a secret anymore. That's it. This has been a very long edition of the weekend vlog, and I'm gonna end it right here.